आराधना करने वालों को भक्ति का स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। श्री गणेश के बार बार सावधान करने पर भी जब क्रोधी और परमवीर परशुराम गुफा द्वार से नहीं हटे, तब श्री गणेश ने बल प्रयोग किया। शिवनामी प्रहार के कारण श्री गणेश ने मस्तक झुका दिया और उनका बायां दांत टूट गया। देवी पार्वती के क्रोध से सारा संसार भयभीत हो उठा। सत्य का ज्ञान होने पर परशुराम ने क्षमा याचना की। देव गुरु के आग्रह पर उनके मित्र वामदेव नारद सहित स्वर्ग लोक पधारते हैं। स्वर्ग के सदाबहार नृत्य के मध्य गंधर्व क्रौंच अप्सरा रंभा की ओर आकर्षित होकर अनायास ही वामदेव से टकरा जाते हैं। अपने अपमान से क्रोधित होकर वामदेव क्रौंच को श्राप देते हैं। दुष्ट पाचाल गंधर्व क्रौंच, जा, मैं तुझे अपनी तप शक्ति से श्राप देता हूँ। तू गंधर्व लोक और समस्त दिव्य लोकों से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाकर मूषक बन जा। बनकर भी तुम जैसे ऋषि मुनियों को शांति से नहीं रहने दूंगा। मैं तेरे इस शाप का भयानक प्रतिशोध दूंगा ऋषि। नारायण नारायण। ऋषिवर, देवराज इंद्र की सभा में आपका जो अपमान हुआ है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। ऋषिवर, अपने क्रोध को त्याग दें। अहंकारी क्रौंच को आपने उचित दंड दिया है। देवराज इंद्र, साधु का स्वभाव तो सज्जन का स्वभाव होता है, सबका कल्याण। दूसरे के दुख से साधु दुखी हो जाता है, किंतु आज न जाने मैं किसकी लीला का निमित्त बन गया। क्रौंच गंधर्व को दंडित करने का मुझे बहुत दुख है देवराज। नारायण नारायण, आप दुखी ना हो ऋषिवर। जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा। आप तो परम ज्ञानी हैं देवऋषि, भली भांति जानते हैं कि एक तपस्वी की कीर्ति दूसरों के कल्याण से ही बढ़ती है। किसी प्राणी मात्र को शापित करके तपस्वी की तपस्या खंडित हो जाती है। कितनी कठोर तपस्या के पश्चात परमदेव श्री महागणेश की कृपा से मुझे सदेह हर दिव्य लोक में जाने की सिद्धि प्राप्त हुई थी। कितना उत्साहित था मैं कि अपने बचपन के मित्र बृहस्पति से भेंट होगी, किंतु इस शाप के कारण मेरे उत्साह का सर्वनाश हो गया है देव ऋषि। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपकी तप सिद्धि और आपका उत्साह पूर्ववत स्थिर रहेगा यदि आप क्रौंच गंधर्व के उद्धार का उपाय बता दें। मित्र, उद्दंड की उद्दंडता को गुरु ही दंडित करता है, किंतु क्षमा करने का अधिकार भी तो गुरु के पास ही सुरक्षित है। तुम क्रौंच के उद्धार का उपाय बताकर इसके अपराधों को क्षमा भी कर सकते हो। आप सत्य कह रहे हैं मित्र। मित्र बृहस्पति, देवऋषि नारद, क्रौंच गंधर्व का उद्धार परमदेव श्री महागणेश के अवतार एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश ही कर सकते हैं। नारायण नारायण। मुझे क्षमा करें मित्र बृहस्पति, आपके आग्रह और आदेश के पश्चात भी मैं एक क्षण के लिए भी स्वर्ग लोक में नहीं रुकूंगा। नारद,
आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरा मन दुखी है। दुखी ना हो गुरुदेव, क्योंकि हर दुख का उपचार परमदेव श्री महागणेश की आराधना से संभव है। यह शिक्षा आप ही ने मुझे दी। इस घटना के पश्चात तो परमदेव श्री महागणेश का ही आश्रय है। कुछ भी प्रिय नहीं? माता, तुम जो भी खिलाओगी वो सब कुछ मुझे प्रिय है, परंतु मोदकों का स्वाद तो कुछ और ही है। किंतु माता, सत्य तो ये है कि आपके हाथों का स्पर्श पाकर वे और भी अधिक स्वादिष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि और चतुराई के सामने सारे ही निरुत्तर हो जाते हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं माता, सब तुम्हारी कृपा का ही परिणाम है। क्योंकि पुत्र तो माता का ही प्रतिरूप होता है, माता के संस्कारों से ही उसकी बुद्धि और विवेक का विकास होता है। एक बात तो बताओ माता। एक नहीं, अनेक बात पूछो पुत्र। माता, क्या तुम बड़े भैया कुमार कार्तिकेय को भी इसी प्रकार मोदक खिलाती थी? श्री गणेश, तुम्हारे बड़े भैया कुमार कार्तिकेय को मेरे साथ अधिक समय तक रहने का अवसर ही नहीं मिला। ऐसा क्यों माता? कुमार को तो धर्म और ज्ञान में विशेष रुचि है, इसी कारण वो तुम्हारे पिताश्री से आज्ञा लेकर अगस्त्य मुनि के साथ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। तो तुम कुमार भैया को बुलाती क्यों नहीं? कुमार का कैलाश लौटना तुम्हारे पिता महादेव शिव की इच्छा के बिना संभव नहीं है। क्या पिताश्री भैया कुमार के कैलाश लौटने के इच्छुक नहीं? नहीं पुत्र, स्वामी तो तुम्हारी ही भांति कुमार से भी अनन्य प्रेम करते हैं, किंतु वो कुमार के धर्म और ज्ञान के मार्ग में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहते। और कुमार भैया की क्या इच्छा होती होगी? माता पिता की स्नेह छाव में आने की इच्छा किस पुत्र को नहीं होती पुत्र गणेश? किंतु हर पुत्र को आकार प्राप्त करने के पश्चात अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना पड़ता है। पुत्र का भविष्य उज्जवल हो, यशस्वी हो, उसके कार्यों की सुगंध संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर दे, यही तो हर माता पिता की अभिलाषा होती है। इसी अभिलाषा के कारण माता पिता अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर कर देते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ माता, तुम तनिक भी चिंता ना करो। मैं शीघ्र ही कुमार भैया को कैलाश लेकर आऊंगा। हाँ माता, परम सत्य, बड़े भैया कार्तिकेय इतने विशाल कैलाश में अकेले हैं, इनके साथ खेलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना? भैया कार्तिकेय के संग खेलने का आकर्षण मुझे शीघ्र अवतार धारण करने के लिए विवश कर देगा। आप निश्चिंत रहे माता,
मैं शीघ्र ही अवतार धारण करूंगा। क्या भैया कुमार की स्मृतियों में खो गई माता? नहीं पुत्र, तुम्हारी बातों से कुछ बीती बातों का स्मरण हुआ है। मेरे वचन पर विश्वास रखना माता, मैं शीघ्र ही कुमार भैया को कैलाश लाकर तुम्हारी पीड़ा का अंत करूंगा। मुझे तुम्हारे वचन ही नहीं कथन पर भी पूर्ण विश्वास है पुत्र गणेश। पश्चात से ही आप उद्विग्न हैं, जो होना था सो हो गया। अब अपनी उद्विग्नता को विराम दें देवराज। देवी सचिन, इंद्र सभा में जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं हुआ। कहने को तो हम स्वर्ग के सम्राट हैं, किंतु आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि स्वर्ग का सिंहासन तीखे कांटों से भरा है। तनिक भी असावधानी हमारे लिए भयंकर सिद्ध हो सकती है। परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखें स्वामी। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उस दिन इंद्र सभा में संगीतकार गंधर्व क्रौंच ने दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया था। तुम गंधर्वों को नहीं जानती देवी सचिन। कहने को तो वे नृत्य और संगीत में व्यस्त रहते हैं, किंतु एक बार किसी से प्रतिशोध हो गया तो जीवन भर उस प्रतिशोध की डोर थामे रहते हैं। आप निश्चिंत रहें स्वामी, गंधर्व क्रौंच की दुर्दशा देखने के बाद गंधर्व तो क्या, गंधर्व राज चित्ररथ भी स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेंगे। किंतु इस सारे घटनाक्रम में दोषी है स्वर्ग अप्सरा रंभा। यदि उसने गंधर्व क्रौंच को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया होता तो ये घटना घटती ही नहीं। आपको रंभा को बुलाकर प्रताड़ित करना होगा, उसने स्वर्ग की मर्यादा को भंग कर दिया है। नहीं देवी सचिन, समुद्र मंथन से अवतरित अप्सराएं अपनी इच्छा से स्वर्ग पधारी थी। वे अपना जीवन परम स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर जीती हैं, उन पर हमारा कोई अंकुश नहीं। तो अब आप इस चिंता का त्याग करें स्वामी। कैसे त्याग करूं देवी सचिन, गंधर्वों के विषय में मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता। तपस्वी वामदेव से शापित होकर गंधर्व क्रौन शांत नहीं बैठेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। ओम नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय।
मूषक। आश्रम में किसी प्राणी की हत्या नहीं होगी। किसी दुष्ट की दुष्टता के कारण आप सज्जन भी दुष्ट हो जाएं, यह सर्वथा अनुचित है। अरे मूषक कहां गया? चलो चलो उसे ढूंढते हैं। चलो 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 ढूंढते हैं। इस उत्पाती मूषक के उत्पात से मुक्ति के लिए हम अपने आराध्य भगवान शिवशंकर के पास प्रत्यक्ष प्रार्थना के लिए जाएंगे। वे अवश्य इसका कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। आपका कथन सर्वदा उचित है स्वामी। इस दुष्ट मूषक से हमें महादेव ही मुक्ति प्रदान करवा सकते हैं। तो विलंब न करें देवी वत्सला, आइए शीघ्र कैलाश चलें। चलिए। रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, रक्षा करें। स्वामी, 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 आइए स्वामी। नारायण, पृथ्वी लोक के इस पवित्र पावन पाराशर आश्रम में ये अनर्थ करने का दुस्साहस किसने किया ऋषिवर? कुछ न पूछे देवर्षि, एक दुष्ट मूषक ने हमारा जीवन दुभर कर दिया है। इतना उपद्रवी और विनाशकारी मूषक न तो हमने कभी देखा था न ही सुना था। हमारी रक्षा करें देवर्षि, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें देवर्षि, रक्षा करें। देवर्षि, हमारी समझ में नहीं आता है कि यह मूषक हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार क्यों कर रहा है। किंतु मेरी समझ में सभी कुछ आ रहा है ऋषिवर। नारायण नारायण। ऋषिवर, इस विपत्ति से आपकी रक्षा इस संसार में केवल एक दंत दयावंत गौरी पुत्र श्री गणेश ही कर सकते हैं। श्री गणेश? ना ना ना, मेरी बात पर संदेह ना करें ऋषिवर। आप इस मूषक रूपी विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए शीघ्र ही कैलाश जाएं। वहां जाकर आप भगवान शिव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करें कि वे श्री गणेश को इस मूषक उपद्रव से उद्धार के लिए प्रेरित करें। नारायण नारायण।
धन्य हुआ देवर्षि, धन्य हुआ आपका परामर्श पाकर। नहीं वत्सला, अब विलंब करना उचित नहीं है, हमें कैलाश चलना चाहिए। आओ चलो। ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम पितृ देवाय नमः। पुत्र गणेश, तुम इस प्रकार नंदी की ओर क्यों देख रहे हो? माता, शिवगणों के नायक नंदी महाराज के आंखों में अब तक हमारे प्रति भय समाया हुआ है। भय? हाँ माता, हमने कितनी बार इनके भय को समाप्त कर इनसे मित्रता करने के इच्छुक हैं, किंतु यह हमें देखते ही किसी न किसी काम का आश्रय लेकर चले जाते हैं। क्या पुत्र गणेश सत्य कह रहे हैं नंदीश्वर? श्री गणेश का कथन सत्य का प्रमाण है माता। किंतु तुम पुत्र गणेश से भयभीत क्यों हो? श्री गणेश के हाथों खाई मार को हम कैसे भूल सकते हैं माता? नंदी महाराज, तुम्हें पीटने वाला गणेश अब गजानन और एक दंत बन गया है। यदि हम कैलाश पर रहकर तुमसे मित्रता नहीं करेंगे तो हमारे माता पिता हमें दोषी ठहराएंगे। कितनी बार हमने माता के दिए हुए स्वादिष्ट मोदक तुम्हें भेंट करके मित्रता का प्रस्ताव किया, किंतु तुम्हारे भय का अंत ही नहीं होता। नंदीश्वर, अब बीती हुई बातों को भुलाकर पुत्र गणेश के साथ मित्रता कर लो। यदि तुम सब इनके मित्र ना बने तो इतने बड़े कैलाश पे इनका मन कैसे लगेगा? यही तो हम भी कह रहे हैं। सच्चे हृदय से हमारी मित्रता को स्वीकार करो नंदी महाराज। एक दंत दयावंत अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश की जय। एक दंत दयावंत अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश की जय। श्री गणेश, श्री गणेश। महर्षि गुरुदेव की जय। गुरुदेव महर्षि अगस्त्य की जय। दक्षिण दिशा के निवासियों, ये अटल सत्य है कि कुमार कार्तिकेय ने कैलाश से यहाँ आकर दक्षिण प्रदेश की धार्मिक प्रजा को शिव धर्म में दीक्षित कर दिया है। इतनी छोटी सी आयु में ब्रह्मज्ञानी कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव की कृपा से धर्म और सदाचार का अद्भुत प्रचार किया है। जन जन को शिव भक्ति के लिए प्रेरित किया। तुम सबको मेरी जय जयकार के साथ इनकी भी जय जयकार करनी चाहिए। सुब्रमण्यम षणमुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम षणमुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की जय। नारायण 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 भजमन नारायण 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 सुब्रमण्यम षणमुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की जय।
सुब्रमण्यम षणमुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम षणमुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की जय। धन्य है आप श्री महागणेश कि आज अनायास ही आपने मुझे कुमार कार्तिकेय के साथ साथ महर्षि अगस्त के दर्शनों का भी सौभाग्य प्रदान किया। हे श्री महागणेश आप धन्य हैं। अब इन्हें समीप से देखे बिना इस नारद के चित्त को शांति नहीं मिलेगी। नारायण नारायण सुब्रमण्यम नारायण नारायण सुब्रमण्यम षणमुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम षणमुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम षणमुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की जय। गुरुदेव शिव भक्तों सत्य तो ये है कि मैं इस प्रशंसा और जय जयकार की योग्य नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है उसमें मेरा पुरुषार्थ कम और पिताश्री भगवान शिव और गुरुवर महर्षि अगस्त्य की प्रेरणा और आशीर्वाद अधिक है। कुमार जिस किसी को सफलता की चरमोत्कर्ष पर पहुँचना हो उसे तुम्हारे स्वभाव और व्यवहार से प्रेरणा अवश्य प्राप्त करनी होगी। तुम जैसा निरहंकारी शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। आपका संरक्षण पाकर तो मैं धन्य हुआ हूँ गुरुवर। माटी के पुतले को आपने अपने धर्म ज्ञान सत्कर्म और सदाचार से दीक्षित कर दिया है। कुमार तुम्हारे ही समान मेरा हर शिष्य मेरी नाभि में स्थिर अमृत कुंभ के समान है। शिष्य को गुरु से और गुरु को शिष्य से अमृतमयी प्रेरणा प्राप्त होती है। नारायण नारायण मेरे कथन पर आश्चर्यचकित न हो शिष्यों, ये उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार नदी बिना जल के वृक्ष बिना फल के और वाहन बिना गति के हो ही नहीं सकता, उसी प्रकार बिना शिष्यों के गुरु कैसे हो सकता है। शिष्यों को गुरु से और गुरु को शिष्यों से अमृतमयी प्रेरणा प्राप्त होती है। नारायण नारायण ओम नमः शिवाय नमः ओम श्री महागणेशाय नमः। देवर्षि नारद मैं अपने श्री शैल आश्रम में आपकी चरण रज पाकर धन्य हो गया। नारायण नारायण धन्य तो मैं हुआ हूँ ऋषिवर आपके और इन शिव भक्तों के दर्शन करके। अपनी जिज्ञासा में ये नारद 14 भुवनों में भक्त और भगवान की खोज में ही तो भटकता रहता है। आपके वाक्य चातुर्य से मैं भली भांति परिचित हूँ देवर्षि। नारायण नारायण कुमार कार्तिकेय आप दक्षिण आकर ऋषि अगस्त के साथ में शिव भक्ति के प्रचार प्रसार में इतना अधिक हो गए कि आपको कैलाश अपने माता पिता और अपने भ्राता का ध्यान ही नहीं रहा। भ्राता कौन भ्राता देवर्षि? नारायण नारायण कुमार मैं आपको आपके भ्राता का ज्ञान कराने ही श्री शैल आश्रम में आया हूँ। देवर्षि गूढ़ आध्यात्म में पहेलियों की भाषा ही अत्यधिक प्रचलित है किंतु तनिक बालक कार्तिकेय को देखिए अपने भ्राता का उल्लेख सुनकर कितने उद्विग्न हो गए हैं। नारायण नारायण आश्चर्य कुमार घोर आश्चर्य। क्या पिता शिव माता पार्वती या परमदेव श्री महागणेश ने आपको आपके भ्राता के प्रकट होने का कोई संकेत नहीं दिया? नहीं देवर्षि मुझे ऐसा कोई भी संकेत प्राप्त नहीं हुआ। नारायण नारायण कुमार कार्तिकेय परमदेव श्री महागणेश ने शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को दिए गए वचन को पूर्ण करते हुए कैलाश पर श्री गजानन गणेश के रूप में अवतार धारण किया है। धन्य है आप देवर्षि धन्य है आपने मेरे भ्राता के प्रकट होने का संकेत देकर मुझे धन्य कर दिया। गुरुवर मुझे शीघ्र ही कैलाश जाने की आज्ञा दे मैं अपने अनुज श्री गणेश से मिलने और उन्हें देखने को व्याकुल हो रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दे गुरुवर आज्ञा दे। नारायण नारायण कुमार कार्तिक आपका इस प्रकार कैलाश जाना उचित नहीं होगा। आप अपने आराध्य पिता शिव तथा माता पार्वती के संकेत की प्रतीक्षा करें। अपने अनुज से मिलने की आपकी भावना और उत्सुकता को मैं भलीभांति समझता हूँ किंतु इस समय आपका प्रतीक्षा करना ही उचित है। समय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती आपको कैलाश आमंत्रित करेंगे। उस समय की प्रतीक्षा तक कुमार आपको धैर्य धारण करना होगा।
नारायण नारायण शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे आशुतोष, उस उत्पाती मूषक के उत्पात से हमें मुक्ति प्रदान कर। हे विश्वनाथ, वह मूषक मायावी होने के साथ ही साथ शक्तिशाली भी है। उसके सामने हमारे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। उस उत्पाती मूषक ने हमारे आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। देव देवेश्वर, अपने भक्त की करुण पुकार सुने महेश्वर। जागे भोलेनाथ, जागे, हमारे संकट का अंत करे महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। ऋषि पराशर, देवी वत्सला, हमें आपके संकट का ज्ञान है। आश्रम की सुरक्षा और व्यवस्था के प्रति हम त्रिदेव सदा ही उत्तरदायी हैं। आश्रमों और ऋषियों की ऊर्जा से ही समाज में नैतिक धर्म की उत्पत्ति होती है। महादेव, हमें ज्ञात है ऋषिवर, शापित होने के पश्चात मूषक बना ये प्राणी प्रतिशोध और प्रतिहिंसा के आवेग से भरकर इतना भयंकर उत्पात मचा रहा है। महादेव, ज्ञात अथवा अज्ञात, हमने अपने जीवन में कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। हम तो आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान करते हुए अपने ऋषि धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो हमारे साथ प्रतिशोध और प्रतिहिंसा का यह तांडव क्यों प्रभु? हे महादेव, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अनजाने में हमारा शत्रु बन बैठा है और हमारे जीवन और आश्रम का सर्वनाश करने के लिए उसने हमारे पीछे ये दुष्ट उत्पाती मूषक को छोड़ दिया है। देवाधिदेव, हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सत्य कहें, यह हमारे किन दुष्कर्मों का परिणाम है? धैर्य धारण करें ऋषिवर, नियंता की लेखनी ने आपको और आपके आश्रम को निमित्त बनाकर एक महान लीला रची है, जिसका परिणाम शुभ शुभ ही होगा। उस लीला के परिणाम के फलस्वरूप आपकी और आपके आश्रम की कीर्ति दिग्दिगंत तक फैल जाएगी। देवादि देव, वर्तमान के संकट को देखकर विचलित ना हो देवी वत्सला। जब आप हमारी शरण में आए हैं तो इस मूषक रूपी विपत्ति से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश, देवर्षि नारद ने कहा है कि उस उत्पाती मूषक के उत्पात से केवल आप ही हमें मुक्ति का उपाय बता सकते हैं। हमारी रक्षा करें श्री गणेश, हम पर कृपा करें श्री गणेश। हमारी रक्षा करें श्री गणेश, हम पर कृपा करें श्री गणेश। स्वामी, क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि देवर्षि नारद को इस घटना का भली भांति ज्ञान है और उन्होंने ऋषि पराशर तथा देवी वत्सला को कैलाश आने के लिए प्रेरित किया? देवी पार्वती, चतुर नारद को इस घटना के पीछे छुपे रहस्य का पूर्ण ज्ञान है और उन्हें ये भी ज्ञात है कि श्री गणेश ही ऋषि पराशर को इस उत्पाती मूषक से मुक्ति दिला सकते हैं। पिताश्री, आपकी दिव्य उदाहरण शक्ति के सामने मैं एक तुच्छ बालक हूँ कि तो किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ऋषि पराशर और देवी वत्सला की करुण पुकार सुनकर मेरा हृदय भर आया है। पिताश्री, आप ही इन्हें इस दुष्ट मूषक से शीघ्र मुक्ति दिलाएं। श्री गणेश, नियंता जब किसी लीला को रचता है तो उसके पात्रों को पूर्व ही निर्धारित कर देता है। अर्थात पिताश्री? पुत्र श्री गणेश, जो कार्य तुम्हारे लिए पूर्व निर्धारित है उस कार्य को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं? जाओ पुत्र, और उस उत्पाती मूषक से ऋषि पराशर को मुक्ति प्रदान करो। स्वामी, अभी हमारा पुत्र गणेश निरा बालक है, उस उत्पाती अत्याचारी मूषक को दंड देने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। देवी पार्वती,
ये कार्य श्री गणेश के लिए पूर्व निर्धारित है। श्री गणेश ही इस कार्य को पूर्ण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री गणेश अपनी चतुराई और शक्ति से इस कार्य को पूर्ण करेंगे। देवी पार्वती, क्या तुम्हें श्री गणेश की चतुराई और शक्ति पर विश्वास नहीं है? पिताश्री, मेरी बुद्धि और शक्ति तो मेरी माताश्री और आपकी कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि पुत्र में माता और पिता का संस्कार होना जन्मगत विशेषता है। जाओ पुत्र गणेश, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्वामी, कौन है यह मूषक और उसका ऋषि पराशर तथा देवी वत्सला से क्या बैर है? देवी पार्वती, संसार में घटने वाली हर घटना का ज्ञान आपको भले भांति रहता है, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्षमा करें स्वामी, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। देवी पार्वती, ऋषि पराशर के आश्रम में उत्पात मचाने वाला ये मूषक स्वर्ग लोक से शापित महान संगीतकार गंधर्व क्रौंच है। संगीतकार गंधर्व क्रौंच? हाँ देवी पार्वती, ये हमारे सुपुत्र श्री गणेश का विशेष सेवक बनने के लिए इतना भयंकर उत्पात मचा रहा है। किंतु स्वामी। देवी पार्वती, अब आप अपनी जिज्ञासा को विराम दें। श्री गणेश के पराशर आश्रम से लौटते ही आपकी हर जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। करना चाहिए। गुरुदेव और माता वत्सला की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर इस मूषक को यही समाप्त कर देना चाहिए। तुम सत्य कह रहे हो मित्र, ये मूषक हमारे भावी जीवन के लिए लज्जा का विषय बन जाएगा। हर कोई हमें ताना देगा, हम एक मूषक को नहीं मार सके। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, यथाशीघ्र इस दुष्ट को मार देना चाहिए। उत्तेजित होकर हमें निर्णय लेने से पहले इतना तो सोचना चाहिए कि गुरुदेव को इस बात का पता चलेगा हमने जीव की हत्या की है तो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। गुरुदेव को पता तो तब चलेगा जब हम उन्हें बताएंगे। हम तो इसे मारकर घने वन में फेंक देंगे। क्या तुम गुरुदेव को असत्य कहोगे? मूषक की एक झलक देख ली, अब वह हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। नमः शिवाय।